साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी कजाकिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ज़ेर तालीम है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और कुछ अरबिक कंट्री से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये एक यूनिवर्सिटी को हम अच्छा या बुरा कैसे समझ सकते हैं जिसने रिकग्नाइज ना किया हो? हर अथॉरिटी ने इसको अपनी गुड बुक में रखा है और गुड दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़बीउल्लाह बलगन, मैं इस वक्त साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी कजाकिस्तान में मौजूद हूँ। ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो 1979 यानी 1979 से मेडिकल की तालीम फराहम कर रही है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ज़ेर तालीम है। 1979 से अगर ये पढ़ा रहे हैं तो आप ये देख लिए तकरीबन 42 साल से ये तालीमी सफ़र है जो साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी जारी रखे हुए है। यहाँ इस वक्त 2100 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और कुछ अरबिक कंट्री से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो फैकल्टी है यानी जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, वो भी इंटरनेशनल टीचर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उसमें इंडियन टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी को हम अच्छा या बुरा कैसे समझ सकते हैं, या किसी को बहुत अच्छा और किसी को कम अच्छा समझने का हमारा स्टैंडर्ड क्या है? तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यही होता है, किसी यूनिवर्सिटी को उसकी रैंकिंग करते हुए, उसकी रेटिंग करते हुए, कि वो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उसकी एफिलिएशन है या नहीं है, या इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं और जो रिकग्नाइज करती हैं मेडिकल की तालीम को या मेडिकल के तालीमी इदारों को, तो वहाँ से इनकी रिकग्नाइजेशन या एक्रीडेटेड हैं कि नहीं। तो मैं ये अर्ज़ करूँ, ये साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी कि जो इसकी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के साथ एफिलेशन है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 1955 में इदारा बना था, सबसे पहले साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी की जो एफिलेशन है वो WHO के साथ है, उसके बाद WFME के साथ है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो उसके साथ भी इसकी एफिलेशन मौजूद है, ECFMG के साथ भी इनकी एफिलेशन मौजूद है, और IAAR जो चौथी अथॉरिटी है उसके साथ भी इनकी एफिलेशन मौजूद है। यानी कि इंटरनेशनली कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जिसने कजाकिस्तान की इस यूनिवर्सिटी साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी को जिसने रिकग्नाइज ना किया हो। हर अथॉरिटी ने इसको अपनी गुड बुक में रखा है और गुड दिया है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हम तो किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा समझते हो गए या कम अच्छा समझने का मेयार यही लेंगे कि इंटरनेशनल इदारे इसके बारे में क्या कहते हैं। यानी कि अगर WFME इसको रिकग्नाइज कर रही है तो इसका मतलब है कि इसकी एजुकेशन को रिकग्नाइज किया जा रहा है। अगर ECFMG इसको रिकग्नाइज कर रहा है तो इसका मतलब इसकी डिग्री को 194 कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसकी डिग्री को माना जा रहा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये 5-year प्रोग्राम है, यानी कि 5 साल प्रोग्राम यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में हमने देखा, जैसे और कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अफ़गानिस्तान से, तो उनके 6-year प्रोग्राम चलते हैं, 6 साल। वो 6 साल प्रोग्राम इसलिए होता है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो 1 साल पहले लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जैसे चाइना के अंदर है तो वो पूरा 1 साल तो चाइनीज़ लैंग्वेज में गुजर जाता है। इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ हैं वो MD प्रोग्राम 6 ईयर में करवाते हैं, लेकिन कजाकिस्तान का जो 5-year प्रोग्राम है वो तमाम इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट किया हुआ है। इवन के इंडिया के अंदर भी इसका 5-year प्रोग्राम ही एक्सेप्ट किया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर साउथ कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी को ए लिस्ट में रखा है, और इसकी जो 5-year प्रोग्राम है उसी को एक्सेप्ट किया गया है। तो एक तो ये बहुत फ़ायदा है इंडिया, पाकिस्तान या दीगर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं।
फिर यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है कि इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं अभी अंदर गया था और यूनिवर्सिटी को विज़िट किया है, हमने इनका एग्जामिनेशन सिस्टम हमने समझने की कोशिश की है। और बेसिकली यहाँ पे तीन कैंपस हैं इसके। ये मेन कैंपस के सामने मैं खड़ा हूँ, फरीदा कैंपस है वो इससे थोड़ा आगे है, और ये बिल्कुल शहर के अंदर हैं। पहले मैं आपको इसके एजुकेशन सिस्टम में बताता हूँ, फिर मैं इसके जोग्राफिया हदूद के बारे में बताऊँगा। एजुकेशन सिस्टम का आलम यह है कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कल के आप कुछ माइग्रेटेड स्टूडेंट हमसे ले लें जो बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके जो डीन साहब हैं उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे एक्सक्यूज कर लिया, माजरत कर ली। ही सेड मी कि हम माइग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने फर्स्ट साल फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट को लेते हैं, हम उसको खुद आखिर तक पढ़ाते हैं, हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो या हम पर कोई ब्लेम आए। अब जो स्टूडेंट रशिया से आ रहा है या किसी माइग्रेटेड है, हमें क्या पता उसने वहाँ पर क्या पढ़ा है, तो लिहाजा हम किसी और की ज़िम्मेदारी, किसी और की क्रेडिबिलिटी अपने सर पर क्यों हम लें। तो लिहाजा हम माइग्रेशन नहीं लेते, हम अपने ही स्टूडेंट को डे फर्स्ट से पढ़ाते हैं और उसी को डिग्री देते हैं जो हमारे पास पढ़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये साउथ कज़ाक मेडिकल अकेडमी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अपने इस एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेनटेन रखा हुआ है। अब मैंने आपको बता रहा था कि ये शहर के अंदर है, ये मेन कैंपस है जो मेरे पीछे है, 1979 में ये बिल्ट हुआ है, ये बना है, और इसके साथ ये फरीदा कैंपस है वो भी यहाँ से करीब ही है, जहाँ ज़्यादा मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन पाकिस्तानी वो वहाँ पर पढ़ते हैं, और ये बिल्कुल शहर के अंदर है। अगर आप इस तरफ देख सकें तो ये शिमकेंट बहुत बड़ा मॉल है, जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ या मज़ीद किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल मेन मॉल है, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हमारे लाहौर के अंदर आप देखें सेंचुरी मॉल है, और इस्लामाबाद के अंदर सिंटोस, इस तरह के मॉल हैं। तो ये एक बड़ा मॉल है जो बिल्कुल शहर के बिटवीन में है, और ये इसके जो एकेडमिक ब्लॉक हैं यूनिवर्सिटी के, ये भी बिल्कुल शहर के दरमियान में है, स्टूडेंट्स को कोई दूर नहीं जाना पड़ता, हॉस्टल बिल्कुल करीब हैं। एक और बात जो मैं अर्ज़ कर दूँ हॉस्टल से रिलेटेड, कि यहाँ पे जिस तरह से टीचर्स इन लोगों ने इंटरनेशनल टीचर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए इंडिया पाकिस्तान से, और इसी तरह से जो हॉस्टल की मैनेजमेंट है उसमें ये किया गया है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेस तैयार होता है वो इंडियन शेफ़ बनाते हैं, और जो पाकिस्तानी हॉस्टल है और पाकिस्तानी खाने बनाए जाते हैं वो पाकिस्तानी शेफ़ बनाते हैं, और इवन के उसकी मैनेजमेंट भी जो है वो पाकिस्तानी है, जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उनकी मैनेजमेंट इंडियन सुपरवाइज़र करते हैं। इसकी वजह कोई रेसिज्म नहीं है, इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो इंडिया से स्टूडेंट आया है वो अपनी इंडियन मैनेजमेंट से ज़्यादा फ्रैंक होकर, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर सकता है, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आया हुआ है वो पाकिस्तानी मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकता है। अदरवाइज़ तो यहाँ इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इवन क्लासेज भी सम टाइम एक ही होती हैं उनकी, चार स्टूडेंट इंडिया से हैं और छः पाकिस्तान से हैं, तो टीचर जो है वो इंडियन पढ़ा रहा है तो आगे पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी टीचर पढ़ा रहे हैं तो आगे इंडियन बच्चे बैठे हैं, बांग्लादेश के बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यहाँ इनकी एक ही आइडेंटिटी है कि ये इसके साउथ कज़ाक मेडिकल अकेडमी के स्टूडेंट हैं, जस्ट, और कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर। इकट्ठे मिलजुल कर क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रहे हैं, सारे इकट्ठे यहाँ बच्चे रहते हैं। तो मैंने ये शेफ़ और ये टीचर की बात इसलिए आपसे की है कि इससे जो हमारे स्टूडेंट इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से आते हैं उनको कंफर्ट लेवल मिलता है, कंफर्ट जोन में आते हैं। टीचर अब लेक्चर तो इंग्लिश ही में दे रहा होगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन आंसर होता है, कन्वर्सेशन होती है, तो स्टूडेंट हिंदी में बात कर सकता है, उर्दू में बात कर सकता है, तो ये कम्फर्ट लेवल है। खाना जो है वो जो पंजाब का या पाकिस्तान का शेफ़ यहाँ पर बना रहा होगा, ऑफ़ कोर्स वो मुंबई का शेफ़ नहीं बना सकता, उसका टेस्ट और होगा, इनका टेस्ट और होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे शेफ़ ज़्यादा रखे हुए हैं इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। तो आई होप के आप जब यहाँ पर आते हैं या स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा, इंटरनेशनली हर इदारे से ये रिकग्नाइज है यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हमारे आपके सामने है,
अगर हमने वहाँ पर बच्चों की खिदमत की है तो आप परेशान ना हो कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी शिमकेंद शहर में भी आपके बच्चों की खिदमत करेंगे और आपको डेफिनेटली आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, तालीमी एतबार से भी और रहायशी एतबार से भी। तो बाकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ।